अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी पोटैटो वर्सेज स्वीट पोटैटो, किसकी सेलिंग हुई ज्यादा। आइए मिलकर देखते हैं चंदू द विलेजर का ये जबरदस्त सा व्लॉग, फिर उस पर करेंगे अपना रेट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सब कांदा लेने के बाद अभी मैंने खरीदा है आलू, ये देख सकते हो भाई आलू क्वालिटी ठीक है। देखते हैं भाई शकरकंद वर्सेस आलू पोटैटो वर्सेस स्वीट पोटैटो। चले आओ भाई, आलू वाले, कांदा वाले, भाटा वाले, टमाटर झोला भरो कर आइया मैं तरो भाई। कांदा भाजी पास देखो, पूरा लूट मच गया भाई कांदा का। ये देख सकते हो भाई आज का सेलिंग। कैसे हो आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और अभी मैं वापस से रेडी सब्जी मंडी जाने के लिए, सब्जियां लेने जा रहा हूँ भाई। और कल का मार्केट तो अपना बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा सेलिंग हुआ था। तो देखते हैं आज अपन मंडी से कौन से वेजिटेबल्स लेके आते हैं, प्लस आज का मार्केट अपना कैसा रहता है भाई साहब। तो चलो अभी निकलते हैं अपन मंडी। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई मंडी, और ये देखो ये सामने अपना ऑटो है भाई, इसी पे सब्जियां लेके जाएंगे। और बाइक को खड़ा किया मैंने इधर ऑटो के साइड पे, इधर चलते हैं भाई। यहाँ से मैंने खरीदा है भाई सब शकरकंद कांदा, ये देख सकते हो कल भी लिया था, अच्छा सेलिंग हुआ था भाई कल भी इसका शकरकंद कांदा का, तो आज भी लिया है। और इसको अपन लिया 14 रुपए केजी पे, 42 केजी है भाई सब ये। तो चलो अब इसको लेके डालते हैं ऑटो पे यार। कांदा लेने के बाद अभी मैंने खरीदा है आलू, ये देख सकते हैं भाई आलू क्वालिटी कुछ इस प्रकार से निकलेगा बता रहे हैं। क्या है अपना 49 केजी 650 ग्राम है भाई, 1100 रुपए का बोरा ये लो भैया ठीक है, ऐसे निकलेगा ना ठीक है। चलो देखते हैं भाई अब कैसा निकलता है बोरा, अभी इसको लेके डालते हैं भाई ऑटो पे। भाई साहब अभी आलू को भी लाके डालते हैं यहाँ, ये देख सकते हो ये रहा अपना आलू, ये रहा अपना कांदा, वो रहा टमाटर, और यहाँ सामने शिमला का बोली हो रहा है भाई 120 रुपए पन्नी। चलो शिमला उठाते हैं खैर, यहाँ 100 रुपए मात्र, ये देख सकते हो शिमला। भाई साहब शिमला लेने के बाद अभी मैंने खरीदा है बैगन यहाँ पास से भाई साहब, ये देख सकते हो बैगन का क्वालिटी आप लोग, 11 रुपए केजी पे लिया है एक कैरेट, 13 किलो आया भाई। तो चलो इसको भी लेके डालते हैं, अभी सुबह बज रहे 11 भाई, और मेरे को जितना वेजिटेबल्स लेना था ले लिया है, प्लस ऑटो पे डाल भी दिया भाई। चलो भाई साहब अब हो गया जितना वेजिटेबल्स लेना था, अब निकलते हैं यहाँ से घर भाई। ये देखो बाइक बगल पे बाइक है, और शाम को फिर चलेंगे सबको सेल करने। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 4:00, और अभी टाइम हो गया अपना मार्केट जाने का। टोटल वेजिटेबल्स मैंने आज लिया है 3650 रुपए का टोटल वेजिटेबल्स है। और आज भी अपन ने शकरकंद कांदा खरीदा है, कल भी खरीदा था, तो कल तो अच्छा सेलिंग हुआ था, देखते हैं आज कैसा सेलिंग होता है। प्लस आलू वर्सेस शकरकंद मतलब पोटैटो वर्सेस स्वीट पोटैटो, दोनों में से कौन सा पहले सेलिंग होता है, किसकी सेलिंग ज्यादा अच्छे से होती है भाई, देखते हैं। और अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपने ऑटो के आने का, मतलब सुनील भाई के आने का भाई, मार्केट में सब्जियां खरीद के डाल दिया था ऑटो पे, तो अभी वो आएगा मेरे को लेने के लिए। तो दोस्तों अभी निकल चुके भाई हम लोग मार्केट के लिए, और आज का मार्केट बहुत छोटा मार्केट है, तो आराम से शाम को निकलते हैं नहीं भाई, मुश्किल से 1 घंटा का रहता है फिर खत्म है बाजार में सब। देखते हैं भाई आज का मार्केट अपना कैसा रहता है। भाई मार्केट ये देख सकते हो भाई आज का मार्केट है नंगोई विलेज, देख सकते हो बाकी बंदे लोग लगा रहे हैं अपना दुकान। सामने देखो ये अपना ऑटो है, और ये अपना स्थान भाई साहब। तो चलो यार अब ऑटो से उतारते हैं सब्जियों को और दुकान लगाते हैं भाई। Oh,
तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी फाइनली दुकान लगा लिया भाई। ये देख सकते हो कस्टमर भी इधर। आलू 1 किलो चाचा, आलू 1 किलो ज्यादा हो गया, ज्यादा रही से ना घास का वेजिटेबल्स अपना। आलू, कांदा, बैगन, टमाटर, शिमला और बैगन फिर से भाई सब, और ये मिर्चा 42 केजी अपना शकरकंद है और 50 केजी अपना आलू। तो देखते हैं भाई शकरकंद वर्सेस आलू, पोटैटो वर्सेस स्वीट पोटैटो, दोनों में से कौन ज्यादा सेल होता है और किसमें कितना प्रॉफिट निकलता है अपना। बस आज का मार्केट आप लोग देख सकते हो भाई, नगोई विलेज का मार्केट है, काफी सब्जियां दिख रहे हैं मार्केट में, प्लस कांदा भी बहुत जगह आया है भाई। देखो ये शकरकंद मतलब काफी लोग लेके आए हैं भाई, आलू वाले, कांदा वाले, भाटा वाले, टमाटर। आलू, भाटा, टमाटर, शिमला वाले, दीदी आलू 30 रुपया, अरे कांदा ले लिया, टमाटर 20 रुपये, 20 रुपये भाई, आलू वाले, कांदा वाले, पटेल आज ते वो नहीं दिखी ना, दू पन्नी भरी का अकेले वही रख जावे, आलू 30 रुपये चाचा, बदल बदल के लाख भाटा दस लेके जा भाई, भाटा 10, बड़े बड़े भाटा 10, आलू 30, 10 रुपया किलो भाटा, 10 रुपया किलो भाटा, झोला भरो कर आइया में तरो भाई, 10 रुपया किलो भाटा, खाओ सेहत बनाओ। दस रुपए किलो भाटा, 10 रुपए किलो भाटा भाई।
कितना कांदा 20 कांदा 20 है भाई। भाड़ा मात्र 10 महीना में तो थोड़ी आई वैसे आई 10 कैसे कढ़ा कढ़ा भाड़ा ले आया 10 रुपए के 10 महीना में थोड़ी आई टमाटर भाई आप लोग इधर देख सकते हैं मार्केट खत्म हो गया है और वहाँ पास देखो पूरा लूट मच गया भाई कांदा का 10 रुपए किलो कर दिया भाई जो है कांदा को देख सकते हो आप लोग 10 10 10 भाई साहब 14 रुपए का खरीदी है कांदा उसको 10 रुपए बेच रहे भाई साहब देख सकते हो झोला तो रम्मा लेगा हाँ 10 कर दिया तो पूरा मार्केट भाई साहब सब लोग उसी के ऊपर टूट पड़े लूट लो 10 10 10 पूरा भीड़ लग गया भाई 10 रुपए लेने के लिए देख रहे पूरा पब्लिक लोग उसके पास झूम लगा लिए हैं कांदा को। और मार्केट की बात करें ना तो मार्केट ठीक ठाक था भाई टमाटर का सेलिंग बहुत अच्छा था 20 रुपए केजी सेल के और बाकी सब्जियां थोड़ा थोड़ा बच गया है देख सकते हो आलू और कांदा में देख सकते हो आलू भी सेम कांदा भी सेम लग रहा है लेकिन इसको कैरेट में भरेंगे तब पता चलेगा भाई हल्का सी वाला बैगन बचा है और टमाटर इतना सही बचा है भाई। और ये बैगन जो लाया था भाई देख सकते हो सस्ता वाला बैगन पूरा काढ़ा काढ़ा बैगन था जो कि पूरा बच गया है। डोवा भाटा 10 रुपए किलो टमाटर 20 हाँ ये निकाल ले 20 रुपए किलो टमाटर। तो चलो भाई अभी जितना सामान सेल होगा सेल करेंगे फिर उठाएंगे यार अब भैया लूट लो पूरा खत्म हाँ भाई कांदा में लूट हो गया भाई नहीं नहीं मैं नहीं बेचा था एक किलो ये दोगा पकड़। तो भाई साहब अभी पूरा सामान उठा के गाड़ी पे डाल लिया भाई ये देख सकते हो और काफी थोड़ा थोड़ा ही सामान बचा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई मार्केट से घर के लिए। तो चले यार घर जाके देखते हैं भाई कितने का सेलिंग हुआ उसको। गेट से पहुंच चुके घर भाई और सामान को उतार ले नीचे ये देख सकते हैं ये बच्चा वाला सामान भाई बैगन पूरा काला काला था यार तो ज्यादा बच गया इस प्रकार से था कांदा बचे आधा केट टमाटर आधा केट आलू। और भाई साहब अभी मैंने अपना सेलिंग भी गिन लिया है ये देख सकते हो भाई आज का सेलिंग काफी अच्छा खासा सेलिंग हुआ आज का मार्केट बढ़िया था स्पेशली टमाटर का मार्केट बहुत बढ़िया था भाई 20 रुपए केजी पे सेल किया अपने टमाटर तो लगभग 4.5 कैरेट टमाटर सेल हो गए सिर्फ आधा कैरेट टमाटर बाकी है भाई। और अपन जो आलू और क्या था भाई हाँ अपने पास था पोटैटो प्लस स्वीट पोटैटो आलू प्लस शकरकंद तो दोनों बराबर ही सेल हुआ है भाई मतलब की 15 किलो के आसपास बाकी है 15 केजी और दोनों बराबर ही सेलिंग हुआ है उतना खास तो सेलिंग नहीं हुआ उसका। दोस्तों ये टोटल वेजिटेबल्स था अपना 3650 रुपए का जिसको मैंने सेल किया था भाई 4250 का मैंने सेल किया था जिसमें से मैंने 200 रुपए सुमित भाई को गाड़ी का भाड़ा दिया तो आज का भाड़ा थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगा यार 150 रुपए दे रहा था भाई को लेकिन वो बोला कि भाई 50 रुपए और ऐसा करके 200 रुपए उसको देना पड़ गया भाई। तो ऐसे मैं ज्यादा बहस नहीं करता भाई उससे कि ठीक है यार जितना लग रहा है उतना आप ले लो ऐसा करके शायद ये वीडियो अगर सुनील भाई आप देख रहे होगे तो थोड़ा सा भाड़ा ज्यादा है यार सामने तो मैं बोल नहीं पाता लेकिन अगर आपको लगे तो 150 रुपए काफी होते हैं यार 150 रुपए भाड़ा लिया करो भाई 200 रुपए थोड़ा ज्यादा हो जाता है यार बचता नहीं है कुछ। तो 200 रुपए सुनील भाई को गाड़ी का भाड़ा दिया तो गाड़ी का भाड़ा देने के बाद अपने पास बच जाते हैं 4050 रुपए तो अपना टोटल बीस दिवस है 3650 मतलब कि मेरे को अभी 400 रुपए का प्रॉफिट अभी हो गया है भाई शुद्ध रूप से लेकिन अभी अपने पास बहुत सारा वेजिटेबल बाकी है आधा कैरेट टमाटर आधा कैरेट अपना शकरकंद कांदा और आधा कैरेट के आसपास टमाटर और वो बैगन तो इतना सारा जो बाकी है ये अपना और प्रॉफिट है भाई। तो अब जो ये बाकी वाला वेजिटेबल है इसको मैं लेके जाऊंगा सुबह बेचने तो देखते हैं कल सुबह अपन अभी इतने वेजिटेबल्स कितने का बेच पाते हैं प्लस
टोटल अपने को कितना प्रॉफिट होता है वो कल पता चलेगा भाई साहब। और मार्केट थोड़ा सा ऐसा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मजा आता है, मतलब चेहरे से ही झलक रहा होगा भाई खुशी। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट जरूर करना, चैनल पहली बार आ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक और नया वीडियो सामने, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। हाँ हाँ चाचा तोरो खिंचात है, लेबे कुछ खिंचात है ना, कुछ लेबे सब्जी वब्जी खिंचा गे हो तो गए खिंचा गे परफेक्ट। वीडियो में देखा, वीडियो था चंदू द विलेजर का और आज वो सब्जियां लेकर आए हमेशा की तरह। आज उन्होंने स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों को रखा कि कौन सी ज्यादा बिकती है और कौन सी कम बिकती है। आज की बनिस्बत बाकी दिनों के उनकी जो वेजिटेबल है कुछ बच गई, उनको प्रॉफिट 400 के करीब उनको प्रॉफिट हुआ। आज उन्होंने भाड़ा भी कुछ ज्यादा दे दिया। तो यही वो चीजें, देखिए कितनी मेहनत करता है एक इंसान अपना पेट पालने के लिए और वो लगा हुआ है, लगातार है, मुसलसल है क्योंकि वो कर रहा है और साथ में वीडियोस भी बनाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी मेहनत। अब यही सब्जियां वो अपने जो जहां पे जाके बेचता है मंडी जाने से पहले इनको वो बेचेगा, कहीं जाके हमने देखा है कि सुबह सुबह इसको बेच देगा और बेच के फिर मंडी जाएगा, दोबारा सब्जी लाएगा और फिर वहां पे जाके इनको बेचेगा। तो बड़ी हार्ड वर्किंग है इनकी लाइफ और दूसरा बड़े ही जबरदस्त और नफीस से इंसान भी लगते हैं और हमारी तो दुआ है कि ये कामयाब हों, इनको और ज्यादा मिले। ये जो 1000 रुपए का तकरीबन रोज का प्रॉफिट कमाते हैं, ये ज्यादा हजारों में कमाएं और यूट्यूब में भी इनको सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा ताकि वहां से भी इनकी कुछ इनकम जनरेट हो। तो ये जो भाड़े के लिए चीजें ले रहे हैं ये कल को अपनी ले सकें ताकि वो अपनी सब्जियां तो लाए साथ में दूसरों की ला के वहां से भी थोड़ा सा प्रॉफिट हासिल कर सके। तो जबरदस्त था जी आज का हमेशा भाई मेहनत कर रहे हैं और सुबह से लेके जो रात गए तक जो है वो कठिन मेहनत करते हैं और जो सब्जी बेचते हैं साथ में ब्लॉग भी बनाते हैं कि देखिए वीडियो भी साथ में बना रहे हैं और साथ में अपनी जो है वो सब्जी भी शौक से काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो भी शौक से कर रहे हैं और जो है वहाँ पे वो सब्जी बेच रहे हैं वो भी वो बड़े अच्छे और ऐसा अंदाज से वो वहां से सब्जी खरीद के ला के वहां पे अपने गांव में सेल कर रहे हैं। वो तो ये ऊंचनी चोटी रहती है 1000 रुपए का किस दिन प्रॉफिट होगा, किस दिन 600 का होगा, किस दिन 400 का होगा, लेकिन ये कि जो सब्जी आज उसने बचाई है वो सुबह जाते वक्त वो सेल करेगा वो भी वो जो है सही प्रॉफिट ही है। 400 आज उसने प्रॉफिट लिया है और जो जाते वक्त वो मंडी जाते वक्त जो रस्ते में बस्तियां आती है गाँव घर आते हैं वहां पे जो सेल करेगा वो उसका सही तरीके से प्रॉफिट ही है। तो ये चीज है कि वो मेहनत कर रहा है, जितनी वो मेहनत कर रहा है ना उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। कम से कम तो कुछ 4-5 हजार रुपया दिन का बनना चाहिए ताकि वो अब चीज ये है कि 4000 रुपए की तो सब्जी लाता है, 3600 रुपए की सब्जी आ जाती है तो फिर वो अगर वो इसमें से अगर आप गए 3600 लोग आ गए वो 4000 रुपया जो है ना कमाए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो वो डबल रेट बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान है कि वो उसके ऊपर जो है ना मकूल प्राइस से प्रॉफिट लेते हैं। और देखिए कि वो भाड़े वाले से भी कह रहे हैं कि भाई आपसे क्या नहीं होता, वो कह रहे हैं तो ये देखिए इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने नफीस है। तो बहुत जबरदस्त है जो उनकी जो आदत इंसान की जो तबीयत होती है उससे भी पता चल जाता है कि वो किस तबीयत के हामिल हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। अपनी बाइक के ऊपर जाते हैं फिर वापसी पे रिक्शे के ऊपर आते हैं और फिर जो सब्जियां बच जाती हैं फिर उनको भी सेल करना होता है, कहीं ये जो है ना वो खराब ना हो जाए या खराब नहीं भी होती है, गर्मियों में ज्यादा खराब हो जाती है लेकिन वो फ्रेश नहीं रहती है, फिर वो ताजा सब्जी ला के जो बेचना है उसका अलग से चीज होती है। तो यही चीजें इनसे हमें सीखना चाहिए चंदू भाई से कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए अपने कारोबार के लिए चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि कारोबार जो है ना वो एक ना एक दिन आगे बढ़ जाता है अगर मेहनत करें तो। जॉब जो होती है वो तो जॉब ही होती है, उसका कुछ पता नहीं होता। तो बहुत जबरदस्त व्लॉग भी करते हैं और उनका जो अंदाज है गुफ्तगू का जिस तरीके से वो वहां पे आवाजें लगाते हैं, तो आज उन्होंने मुकाबला भी करवाया लेकिन जो है ना स्वीट पोटैटो से जो है ना पोटैटो जीत गए। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त था वीडियो, मजा आया देख के। आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर तो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।